तो हम सबसे पहले नाप लेना सीखेंगे। काफी अच्छा साइज है, भैया तो बहुत खुश हो जाते होंगे। दोस्तों एक बार फिर से तैयार हो जाइए कुछ अपकमिंग हिंदी वेब सीरीज के बारे में जानने के लिए, क्योंकि आज हम आपको उन वेब सीरीज के बारे में बताएंगे जिन्हें मार्च 2023 में रिलीज किया गया है। ये सारी वेब सीरीज बहुत ही कमाल की हैं, जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इन वेब सीरीज के बारे में। कल रात हम एक पिक्चर और देखे, एक लड़का एक लड़की के पेट पे फुट्टे से मार रहा। गर्मी बहुत ही ज्यादा है ना? तुम्हारा गर्मी बढ़ता ही जा रहा है, आपको नहीं लग रहा है? नंबर वन एंगर टेल्स वेब सीरीज बेस्ड है कॉमेडी ड्रामा एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज के टोटल 5 एपिसोड को रिलीज किया गया है और हर एक एपिसोड में आपको नई नई कहानियाँ और नए नए कैरेक्टर नजर आने वाले हैं। सीरीज हिंदी और तमिल दोनों लैंग्वेज में रिलीज की जा रही है। इसे रिलीज की गई है 9th मार्च 2023 में, वो भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। नंबर टू द नाइट मैनेजर पार्ट 2 वेब सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस सीरीज की पार्ट 1 रिलीज की गई थी फरवरी महीने में, लेकिन इसकी पार्ट 2 यानी कि इसकी एंडिंग 5 महीने में रिलीज कर दी जाएगी। वेब सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। A like man जो बीते हुए कल में नहीं आने वाले कल में जीते हैं। You're my lead actor, my star. सब कुछ आपका ही है, मैं बस पहरेदारी कर रहा हूँ। राजा चैन की नींद सो सकता है या नहीं, ये पहरेदार की नीयत पे डिपेंड करता है। नंबर 3 राणा नायडू वेब सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो ये सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है जो कि एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। सीरीज में आप देख पाएंगे एक बेटा जो कि एक पुलिस ऑफिसर है और दूसरी तरफ उसका पिता जो कि एक क्रिमिनल है, और इन्हीं दोनों के वार को एक कंप्लीट सीरीज प्रेजेंट करने वाली है। वेब सीरीज रिलीज की जा रही है 10th मार्च 2023 में, वो भी नेटफ्लिक्स पर। तेरे को मालूम मैं क्या करा? गोली मार के आ रहा हूँ। मैं लाइफ में जो भी अच्छा बुरा किया ये फैमिली के लिए किया डैडी, लेकिन शायद थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा।